तो रुक रुक के चलने वाली रेलगाड़ी ताबेल के प्लेटफॉर्म पे आके रुकेगी। आप लोग बोलोगे रुक रुक के चलने वाली रेलगाड़ी, जी हाँ कुछ यही नाम था मेरा स्कूल में, साल 2002 स्टैंडर्ड 4 बेंच पे चुपके से डरा सा सहमा सा मैं कोने में बैठा था। मैथ्स की क्लास चल रही थी पर मेरे दिमाग में गणित कुछ और ही बोल रहा था। मुझे परमिशन मांगनी थी टीचर से, जाकर वॉशरूम जाने की परमिशन मांगनी थी पर मुझमें हिम्मत नहीं थी। एक डर था कि आज फिर से मेरा मजाक ना उड़ाया जाए, आज फिर से मेरा पूरा क्लास मुझ पे हंसने ना लगे। तो बहुत सोचने और बहुत समझने के बाद मैंने अपने कदम टीचर के टेबल तक बढ़ा ही लिए और टीचर से जाकर कह ही दिया, जी हाँ मुझे हकलाने की बीमारी थी। उसे बीमारी तो नहीं बोलेंगे लेकिन वो 9 या 10 साल की उम्र में मुझे बीमारी ही लग गई थी। पूरा क्लास मुझ पे हंसने लगा, मेरे आंखों में से आंसू गिरने लगे और मैं घर गया और घर पे जाके मम्मी और पापा से इतना कहा कि माँ क्या ये रुक रुक के चलने वाली रेलगाड़ी कभी एक्सप्रेस ट्रेन बन पाएगी। उनके चेहरे पे शिकंज देखकर मैं सहम गया था। पापा ने कहीं से पता किया कि एक स्पीच थेरापिस्ट है गुजरात में जहां मैं रहता हूँ, वहीं वहां पे मेरे घर से कुछ 200 किलोमीटर दूर एक स्पीच थेरापिस्ट है। तो कुछ 6 महीने और 12 सिटिंग उनके साथ करने के बावजूद मेरा हकलाना ठीक नहीं हुआ। तो मम्मी को किसी ने यह बोला कि भरूच में जहां मैं रहता हूँ वहां पे गायत्री मंदिर है, वहां पे अगर पीपल के पेड़ की 24 प्रदक्षिणा घूमते हैं तो शायद हकलाना ठीक हो जाए। तो जो रुक रुक के चलने वाली रेलगाड़ी थी ना, उसने अभी विज्ञान का प्लेटफॉर्म छोड़ दिया था और धर्म के प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गई थी। और पापा को मेरे रिक्शा वाले अंकल ने यह कहा कि वही भरूच में एक दरगाह है, वहां पर अगर 7 गुरुवार माथा टेकता हूं तो हकलाना क्या बोलने की कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। पर मैं थोड़ा डरा हुआ था। दोस्तों ये जो कहानी बता रहा हूँ वो साल 2002 की है और गुजरात की है, और साल 2002 में वो 9 या 10 साल की उम्र में मैंने जो मंजर देखा था उसके बाद दरगाह में पैर रखने की हिम्मत मुझमें नहीं थी। उस छोटी उम्र में मेरे जहन में बहुत से ख्याल आ रहे थे। मैंने पापा को जाके ये चीज बताई और पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर इतना कहा कि बेटा बेटा मुसीबतों का ना मजर नहीं होता, तुम चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हम सब की उलझने एक है, हम सब के सपने एक है, हम सब की इच्छाएं भी एक है। अगर 7 गुरुवार माथा टेकने से तुम्हारा हकलाना ठीक हो जाए तो शायद वो ऊपर वाला भी एक ही है। तो जब पहला गुरुवार मैंने कदम उस दरगाह में रखे तो जहन में बहुत से सवाल थे। जब 7वां गुरुवार दरगाह के बाहर कदम रखा तो चेहरे पर एक मुस्कान थी क्योंकि मैं बहुत कुछ जान चुका था मुसलमान और इस्लाम धर्म के बारे में। मैं इतना कुछ जान चुका था कि अब वो डर चला गया था, हिंदू मुसलमान सब एक ही तो है। पर खैर ना मंदिर से ना मस्जिद से ना दरगाह से ना ही कोई और धर्मों की राह से मेरा हकलाना ठीक नहीं हुआ। तो स्टैंडर्ड 5th में पहुंचा और विज्ञान का क्लास चल रहा था और थोड़ा पढ़ने में होशियार था तो सोचा कि आज ये जवाब दे ही देता हूं। पर फिर वापस जहन में वही डर आ गया कि फिर से लोग मेरा मजाक ना उड़ाए। तो बहुत समझने के बाद मैंने सोचा एक बार हाथ ऊपर कर ही लेता हूँ, आंसर दे ही देता हूँ। और बस मैं ऊपर हाथ कर ही रहा था, आंसर दे ही रहा था कि मैं डब्बे ही उठ गया। और तभी आखिरी बेंच पे बैठी एक लड़की की हल्के से हंसने की आवाज आई और उसके हंसने के साथ साथ पूरा क्लास संगठन में मेरे ऊपर हंसने लगा। और ये माहौल कुछ ऐसा ही था कि आप समुद्र किनारे कहीं दूर खड़े हो और समुद्र की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो और समुद्र के मोजे संगठन में जैसा आवाज बढ़ता जा रहा हो ठीक वैसे ही मेरे पूरे क्लास का हंसने का आवाज बढ़ रहा था। मेरी गर्दन झुकने ही वाली थी, आंखों में से आंसू गिरने ही वाले थे कि अचानक से थप्पड़ का आवाज सुनाई देता। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो टीचर ने उस लड़की को थप्पड़ मारा। और ये माहौल कुछ ऐसा था कि मानो वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा हो और महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पे हो, आखिरी गेंद पे 1 रन जीतने को हो और वानखेड़े में मैच चल रहा हो और धोनी बोल्ड हो जाए। तब स्टेडियम में जैसा सन्नाटा छा जाता है ठीक वैसा ही सन्नाटा उस वक्त क्लास में। टीचर ने मुझे पूरे क्लास के सामने बुलाया और कहा कि आज की तारीख में अगर कोई एक लड़का है जो जिंदगी में कुछ अच्छा करेगा तो वो पार्थ चंद्रानी होगा क्योंकि he has those guts in him to face his own problems।
उसमें अपनी मुसीबतों का सामना करने की हिम्मत है। मैं घर गया और उस दिन आईने में जाके खुद को देखा और बोला कि बॉस, बस अब चाहे कुछ भी हो ना, अब पीछे मुड़के नहीं देखना है, अब बस आगे बढ़ना है और अपनी मुसीबतों का सामना तुम्हें खुद करना है, क्योंकि तुम ही इस दलदल से खुद को निकाल सकते हो। उस दिन की बात है और आज की बात है, पिछले 15 या 16 सालों में मैंने शायद क्लास में कुछ 1000 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए होंगे और यहाँ तक कि सेकेंडरी 9th 10th स्टैंडर्ड में आके मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने लगा और कॉलेज में जाके डिबेट, एलोकेशन और ड्रामेटिक्स जैसे कॉम्पिटिशन जीतने लगा। और पिछले 5.5 मिनट से आप सबके सामने अपनी कहानी एक श्वास में बता रहा हूँ, तो आज ये एहसास होता है कि वो जो रुक-रुक के चलने वाली रेलगाड़ी थी ना, वो आज एक्सप्रेस ट्रेन बन चुकी है। कभी भी जब जिंदगी में दुआ या दवा काम ना करे तो शायद किसी की दाल किसी का हौसला।